अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और आपकी दुआओं से हम भी ठीक हैं। तो चले जी, आज के ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। तो इस टाइम हम लोग जम्मू में हैं, हम लोग रातों रात रिजोर्ट से जम्मू आए क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, जल्दी बीमार थी। तो मुझे ना महीने या हफ्ते में एक बार गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो जाती है, तो उसी को चेक कराने के लिए हम डॉक्टर के पास आ गए। अचानक ही कोई हमारा प्लान नहीं था हमें जम्मू जाने का, तो अच्छे भले मैंने ब्लॉग शूट भी किया घर पर, तो अचानक ही हमारी सलाह बन गई, अचानक ही मैं बीमार हो गई बहुत ज़्यादा। फिर जन्नत भी बीमार थी, तो इसको तो हमने डॉक्टर को चेक कराया, इसको आराम आ गया था, लेकिन मेरी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, इसलिए हम तीनों, मैं, मेरे हस्बैंड और जन्नत, हम तीनों रातों रात आ गए जम्मू। तो अभी हम इसमें जम्मू में गोल तारे चुम्मू, अभी हम जाने से डॉक्टर के पास। रात को 11 बजे पहुँचे, यही होटल में स्टे किए क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा थी, और गए नहीं। तो सुबह सुबह इतो अंदर, तो अब हम जा रहे हैं डॉक्टर के पास, बस ढूंढ रहे हैं ये रास्ता। तो बाहर बहुत ज़्यादा गर्मी है, तो एमरजेंसी में आना पड़ा अंदर। हाँ, सीधा आ गया, गड्डियाँ और जानी कोई लगनी कोई साइड करना आते। तो बस हम जा रहे हैं, इनको एक्चुअली ना मुझे पता चलता है रोड का, इनको पता चलता है रास्ते का। जम्मू में इतनी ज़्यादा गलियाँ, इतने ज़्यादा रास्ते पता चलते हैं, जम्मू बहुत बड़ा बड़ा है, तो बहुत बहुत गंदी वाली गर्मी है। तो इस वक्त सुबह का हमें ब्रेकफास्ट वगैरह कुछ नहीं, पहले डॉक्टर को चेक करेंगे, फिर बाद में ब्रेकफास्ट वगैरह करेंगे, कुछ लाइट लाइट खाएंगे, अगर खा पी के हमारे पेट की हालत होगी। और कल जन्नत बहुत ज़्यादा बीमार हो गई थी, बहुत ज़्यादा, क्योंकि उसको सर में बुखार चढ़ गया था, इतना ज़्यादा बुखार था कि डॉक्टर के पास ले गई, उन्होंने ठंडा ठंडा पानी डाला, फिर उसको आराम आया बड़ी मुश्किल से। तो हम तो रोना छोना शुरू हो गए, तो बड़ा अचानक से इसको बहुत ज़्यादा फीवर हो गया, घर में तो रोना धोना शुरू हो गया, ये क्या हो गया अचानक बच्ची को, तो बड़ा मसला बन गया था। बड़ी मुश्किल से इसको आराम आया, चलो ये ठीक हो गया, हम तो ठीक हो जाएंगे, हमारा क्या बच्चे ठीक होने चाहिए। तो ये तो कभी इस टाइम में जम्मू के अंदर हूँ, यहाँ से ऊपर चलो, हम जा रहे हैं यहाँ से ऊपर, ये बाहू प्लाजा सब में खिलाया, तो ये जी बाहू प्लाजा खड़ी कर दो, शुभाग भी आ रहा है, तो मेरा भाई भी आ रहा है गाड़ी लेके, हम उसको फ़ोन करते हैं पूछते हैं। तो ये देखो जी, अभी हम लोग खड़े हैं बाहू प्लाजा के सामने, बिल्कुल सामने खड़े हैं, तो मेरा भाई यहीं पे आ रहा है, तो वो भी हमारे साथ जाएगा, जिसको सारा कुछ पता है, हमें इतना खास पता नहीं है कि भूल जाते हैं, जब भी आते हैं भूल जाते हैं रास्ता कहीं है, और से हम जाते हैं छन्नी से, तो आज हम उस साइड से गए नहीं क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा जाम लगा हुआ है। इस टाइम हम देखो जी जम्मू का बहू प्लाजा है, तो ये देखो जी जम्मू वाले, जिन्होंने कभी जम्मू नहीं देखा है जम्मू देख लो जी, ये देखो जनी इधर मुड़ो, इधर मुड़ो, नहीं खाता है, पानी नहीं खाता है, जन्नत को रात को रूम में मच्छर भी खा गया बहुत ज़्यादा। तो कल इतनी बीमार थी, बहुत ज़्यादा बीमार हो गई थी, इसके सर में बुखार, इतना बुखार था कि इसके सर के साथ हाथ नहीं था लग रहा। इधर मुड़ो, चलो जी। तो मेरा भाई वो स्कूटी पे चल रहा है आगे, हम लोग जा रहे हैं पीछे पीछे उसके, क्योंकि उसको रास्ते का सारा पता है, हम लोग जा रहे हैं उसके पीछे, वो यहीं पे रहता है ना, वो तो भी आ गया उसमें, तो जल्दी जल्दी हमारे साथ ठीक है जी, मैं जा रहा हूं। तो ट्रैफिक लाइट थी, हम लोग इधर निकल आए, तो वो हम अभी हम पहुँचे थे रेलवे स्टेशन के सामने, तो यहीं से जा रहे हैं हम लोग। यहाँ पे बहुत बड़े बड़े होटल हैं क्योंकि तो मुझे नाम भी नहीं आते, तो हम लोग पहुँच गए हम रेलवे स्टेशन के सामने, ये जम्मू का स्टेशन है, उसी के पीछे हम लोग जा रहे हैं। तो वो कहीं कहाँ चला गया, वो आगे चला गया, हम पीछे हैं उसके सामने, पास स्टेशन है, यहाँ से हमने जाना है इधर अंदर, उस मेरे भाई के पीछे वो जा रहा है वो। तो गाइस हम लोग पहुँच गए हॉस्पिटल, आ गया भाई एस टी डी एम हॉस्पिटल, यहीं पे गेस्ट के डॉक्टर बैठते हैं, तो हमें यहीं चेक कराना है। मॉर्निंग में ना पहले हमें अपना नंबर लिखाना पड़ता है, उसके बाद डॉक्टर आते हैं, पहले हम नंबर लिखाएंगे, उसके बाद थोड़ी देर वेट करेंगे। बस यहाँ हम उतरने वाले हैं, गाड़ी यहाँ पार्क कर रहे हैं। चलो जनत जनत गेट आप गेट आप। तो हम लोगों ने सैंडविच और ब्रेड ले लिया और जूस वगैरह ले लिया है, अभी सुबह लाइट ब्रेकफास्ट कर रहे हैं। डॉक्टर के पास हम पहुँच गए, डॉक्टर बैठेंगे 10 बजे, तब लग बस नंबर हमारा पहला नंबर ही है, तब बस हमने जाना है और नंबर लगाना है और डॉक्टर को चेक कराना है। तो अब हम ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, जरूरत भी कर रही है। तो हम लोग आ गए अंदर, तो यहाँ पे हम चेक कराएं डॉक्टर को, हम लोग बैठे हुए वेट करे, डॉक्टर साहब नहीं आए, मैंने तरह अभी खाना खाया, हमने ब्रेकफास्ट वगैरह कर लिया, तो अभी डॉक्टर का वेट कर रहे हैं हम लोग यहाँ खड़े होकर।
तो डाटो को हमने चेक करा लिया है, बस चेक करा के अब भी हम जस्ट वहाँ से बाहर निकले तो ठीक है। अल्ट्रासाउंड में लीवर फैटी आई है तो वो भी आराम आ जाएगा, कोई बात नहीं। अब हम जा रहे हैं, देखते हैं कहाँ जाते हैं। पहले तो एक दो जन के लिए ड्रेस लेना है। जरिए अपनी ड्रेस लेना है, लेना है कैसे वाला लेना है? बटरफ्लाई वाला जन ने ड्रेस लेना है, वो जिसको ड्रेस लेके देंगे। हाँ तो चलो चलो आगे चलो। तो हाँ अभी हम जम्मू में ही हैं, आपको दिखाती हूँ किस एरिया में। तो ये देखो जी हम लोग जम्मू में हैं, देखो जम्मू की रोडें। हम इस टाइम में बहुत ही जम्मू का ही ना है, बस इतनी गंदी वाली गर्मी है ना। आप ना रजौरी का थोड़ा ठीक है, नॉर्मल है, लेकिन ये जो है ना तो बतो बतो बाला तबरी कदर नहीं करनी चाहिए। जो चीज़ ना साल नहीं अलग इस साल में सोचा मैं सर्दी में आऊँगी, मैं गर्मी में कभी नहीं आऊँगी, लेकिन मजबूरी मारे आना ही पड़ता है। हाँ तो ये देखो जी हम लोग हैं अभी यहाँ। पता नहीं मेरा भाई कहाँ चला गया, वो हमारे आगे आगे था, हम उसके पीछे पीछे थे, तो वो कहीं आगे, वो कहीं आगे बहुत आगे चला गया, हम उसके पीछे पीछे निकल रहे थे। वो यहाँ गए, इसका नामो निशान नहीं मिल रहा। तो ये देखो जी अब ये मुझे यही बता कि हम इस टाइम हैं जी ननक नगर, ननक नगर। हाँ हाँ ननक ननक नगर में। कौन कौन जम्मू से मुझे पता सेक्शन में बताया, नामो निशान लगा करना। हाँ जी बैट बॉल खेलना है। हाँ तो ठीक है जी हम लोग निकल रहे हैं, लेकिन इश्वाक नहीं पता नहीं कहाँ मेरा भाई कहाँ चला गया, मुझे मिल नहीं था। तो भाई साहब हम इस टाइम खड़े हैं जी सितवारी कैंट के सामने, मतलब ट्रैफिक जाम पे खड़े हैं। जनता ने ले लिया अपने लिए बैलून, बड़ा प्यारा बैलून है, मुझे बड़ा अच्छा लगा था, ले लिया। ये देखो 70 रुपये ना जी। बच्चा बोलो ये कैसा है, आपको अच्छा लगा है? तो बाहर बहुत बड़ा ट्रैफिक जाम है, रेड लाइट है जी। तो ये देखो जी हम यहाँ से आम चुन रहे हैं, तो यहाँ बहुत ज़्यादा आम लगे हुए हैं, यहाँ गाड़ी हमने साइड रखाई हुई है, तो बहुत ज़्यादा आम चुन रहे। जनत भी है, हम भी है, मेरा भाई भी, मैं भी चुन रहे हैं आम। ये बिल्कुल साफ साफ आम है, एक्चुअली जम्मू में आम बहुत ज़्यादा होते हैं, तो हमें जब हमें मौका मिल गया यहाँ से आम चुनने का, तो ये जो साफ साफ है हम यहाँ से चुन रहे हैं, तो घर जाके मज़े से दूध आके खाएँगे। चलो तो अभी हम लोग जा रहे हैं, मेरी चाची हैं उनके घर पे जा रहे हैं, उन्होंने यहाँ पे सेट लिया हुआ है, रूम लिए हुए, उनके बच्चे यहाँ पढ़ते हैं, भी न्यूली सेटल हुए हैं वो यहाँ पे, तो हम उनके वहाँ जा रहे हैं लंच करने के लिए। उन्होंने बुलाया हमें, तो वो यहीं पे सतवारी में ही रहते हैं। ओह लगी गाड़ी, अगर गाड़ी लगा दी ना आगे, लगा दी ना गाड़ी आगे, लाई छोड़ी है गाड़ी ना, लगन दे, लगन दे ना, हर टाइम गाड़ी लगनी है, हम सब उतरने वाले हैं। चलो बेटा बेटा चलो चलो। तो हम लोग आए हुए काकी के घर, ये मेरा कजन ब्रदर है, इसका नाम इरफान है, ये मैं जूस सर्व कर रहा है, हम जूस पी रहे हैं, पानी नहीं पी रहे हम जूस पीसा। तो हम लोग लंच वगैरह घर की अब निकल चुके हैं घर की तरफ, तो अभी हम है विक्रम चौक, जम्मू के अंदर ही है, ये देखो जी विक्रम चौक है ये, तो ये देखो जी निकल रहे हैं। यहाँ पे थोड़ा एक मिनट रुक जाओ, रेड लाइट है, वो देखो ट्रक वाले वो खड़े हैं, तो यहाँ खड़े हैं बस निकल रहे हैं यहाँ से। तो बहुत ज़्यादा गर्मी है, तो हम लोग जैसे यहाँ पे कुछ रुकेंगे कुछ लेंगे कि बाजार वगैरह जाएंगे, लेकिन बहुत मुश्किल है, कहीं नहीं जा सकते हम लोग, गर्मी बहुत ज़्यादा है। ये देखो हम विक्रम चौक में खड़े हैं। तो ये देखो जी अब हम पहुँच गए तवी के पुल पे, तवी की तवाई हो तवाई है, तवी के पुल से हम लोग जा रहे हैं, ये हमारे इंडिया का झंडा। तो अब हम लोग पहुंच के जम्मू के GMC गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बख्शी नगर पहुँच गए हैं। देखो जी आपको दिखाती हूँ मैं, ये देखो सामने है जी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू का, ये देखो जी, ये देखो जी ये जम्मू का गवर्नमेंट हॉस्पिटल है। यहाँ पे आ गया जी हड्डियों का हॉस्पिटल, यहाँ पे आ गया बीमारियों का हॉस्पिटल, और उधर आ गया भाई चेस्ट का हॉस्पिटल। यहाँ पे काम नजला ये वो जो इन्फेक्शन वगैरह होती है, इंटरनल ऑर्गन वगैरह तो ख़राब हो जाए तो उसका हॉस्पिटल ही है। तो यहाँ से हम निकल चुके हैं स्टार मेडिकल बख्शी नगर से, हम लोग निकल आए। वैसे आजकल बख्शी नगर से कोई नहीं जा रहा, सब लोग न्यू फ्लाई ओवर बना हुआ है वहाँ से सब लोग जाते हैं, तो हम लोग यहीं से जा रहे हैं। चल रहे जी कोई बंदा नहीं हमें इस टाइम बाहर मिल रहा, बस गाड़ी ही मिलती है, और बड़ी मुश्किल से लोग चला रहे हैं, गर्मी में बहुत गर्मी है, और मेरा नॉन बेबी सो गया है, तो जन्नत सो गया, और हम लोग खड़े हैं यहाँ पे ATM के सामने, क्योंकि आपको पता है कि जम्मू में ना जम्मू कश्मीर में कहीं पे ATM नहीं काम कर रहा है,
कल से पेटीएम को, कल या परसों से मेरे ख्याल से पेटीएम बिल्कुल बंद हो गया, तो चल ही नहीं रहा है, बड़े मुश्किल हो गई है तो इसलिए आज एटीएम का यूज़ कर रहे हैं। तो हो गए एटीएम, मजा रहे हम, माँ बेटी गाड़ी बैठी, मेरा बेटा तो सो गया, बस माँ बेटी दोनों बैठे। तो हम लोग जम्मू से बाहर आ गए हैं और अभी हमने तेल फिल कराया, जनता ने अपने लिए खिलाने लिए और मैंने अपने लिए एक घर पर लगाने के लिए ड्रेस लिया, इन्होंने मुझे लेके दिया। मैं कहना कुछ भी नहीं लिया, तेल बोया खाली गाड़ी में। तो हम लोग जा रहे हैं अब घर वापिस, और रजौरी 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 तो अभी हम लोग पहुंचे हैं कालीतार। तो ये देखो अभी हर जगह ना गर्मी को सीजन, इस सीजन में आम बहुत ज्यादा होते हैं, मीठे आम, खट्टे आम, अचारी आम, जो भी आम खाना चाहे। हाँ यहाँ पे ना काम भी चल रहा है, इसलिए जो है रोड थोड़ी फुल्ली वगैरह कर रहे हैं, तो काम भी चल रहा है साथ साथ। और हर जगह पे यहाँ पे आपको आम की रेडियां मिलेंगी, लोग आम बेच रहे होंगे, तो हर जगह यही कुछ मिल रहेगा। अभी देखो जी हमने भी लिए थोड़े बहुत आम, ये देखो जी। तो जम्मू का मतलब जो रास्ता था ना पहला, वो सब बदल गया है, हर जगह सब कुछ रोडे वगैरह न्यू बन रही है, तो बड़ा कुछ चेंज हो गया है। अब तो टाइम भी कम लगता है जम्मू से रजौरी जाने में। ये आपको हरियाली तो मिल रही है, लेकिन इस हरियाली का कोई फायदा नहीं, क्योंकि अभी इतनी ज्यादा गर्मी है ना बाहर, कोई फायदा नहीं। हर जगह आपको यहाँ पे आम ही, जम्मू में तो इस टाइम आम ही चलेंगे और कुछ भी नहीं। जितने ये मीठे और स्वादले होते हैं उतने खराब भी लगते होते। देखो जी ये गाड़ियां आ रही हैं, जोरी से आ रही हैं, कौन से एक बंदर बैठा हुआ है। देखो देखो सारे आम तो इन्होंने खा लिए, जंगलों में बहुत आम होते, सारे आम इन्होंने खा लिए, बंदरों ने, मक्खियों ने। कितनी था ना यहाँ पे टनल वगैरह बन रहे हैं, अभी कंप्लीट नहीं हुए, अभी को टाइम लगेगा बनने में। चलिए जी मिलते हैं आपको आगे चलते। तो हम लोग अभी खड़े हैं चौकी चौरा भी, और यहाँ से ले रहे हैं जनक द्यापा पानी की, जगह तो लगी है प्यास, इन्होंने खाए मैंगो, अब इनके हाथ वगैरह और मुंह वगैरह देखो कितने गंदे हो गए, देखो जी इनको प्यास लगी है, इसलिए आप वो गए पानी लाने के लिए। चौकी चौरा पे खड़े हैं, चौकी चौरा आपने ये क्या ऑन कर दिया है, इसको बंद कर दो। हाँ जनक को बहुत शौक है गाड़ी चलाने के, इसलिए वो सीट में बैठ गई है। पापा आ जानी, आ जाओ जानी, काम काम काम। तो अभी हम पहुंच गए हैं नौशहरा, देखो हम रास्ते में सो गई थी, जनत मेरे साथ सोई हुई है, देखो तो हमें धूप लग रही थी, मैंने ये शर्ट एक डाल दी आगे। तो अब हम जा रहे हैं, बस घर पहुंचने ही वाले, एक घंटा हो रहा है, बहुत सफ़र आसान हो गया। इनको ही बहुत ज़्यादा नींद आई हुई, नींद आई आपको सो ना 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 तो सिर्फ सही है सबके सारी मेरे से तो जाने रहो। मैं जब भी सोती हूँ मुझे बोलती अम्मा ये लगो वो लगो, वो जाना सोने का देती है, मेरा तंग करती है ना, सो जाओ। देखो वो खड़ी है जन्नत, अभी से हम पहुँचे जी नौशहरा, हमने क्रॉस कर लिया है। इनको देखो कितना पसीना आ रहा है, गर्मी कितनी ज़्यादा गर्मी है नहीं है। तो जन्नत खाएगी मैगी, जन्नत खाओ मैगी, खा लो मैगी, चलो मैगी खाए। देखो जी हम रजौरी पहुंच गए इस टाइम सलानी पुल पे, और बहुत ज्यादा बारिश हो रही है रजौरी, हम बारिश लेके आए, रहमत लेके आए। देखो जी हम लोग जम्मू से हैं, रहमत लेके आए, लेकिन जम्मू यहाँ बड़ी अच्छी बारिश हो रही है। ये देखो जी शुक्र है बारिश हो रही है, ठंडा ठंडा मौसम है, लेकिन बाद में गर्मी ज्यादा होती है। चले जी यहाँ हम सीधा घर जाते हैं, वहाँ पहुँचते हैं। कितनी प्यारी बारिश लगी हुई, ठंडी ठंडी बारिश। हाँ जी लोग बेचारे तड़प गए थे गर्मी से, वो आज थोड़ी उनको राहत मिलेगी बारिश से। फाइनली हम लोग घर पहुंच गए, और जैसे हम रजौरी में आए बारिश शुरू हो गई, लेकिन मसला क्या था कि यहाँ पे लाइट नहीं थी सुबह की, तो जैसे हम घर के अंदर घुसे लाइट भी आ गई, टीवी मैंने लगाई है, मैंने लिशा और नूर को बुलाया, क्योंकि जनत बोल रहे मुझे प्लीज़ मुझे लिशा से मिलना है, नूर आपसे मिलना है, लिशा आपसे मिलना है, तो घबराई हुई थी, तो मैंने उनको बुलाया, मैंने कहा और लड़की को मिल के जाओ, क्योंकि सुबह ये स्कूल चली जाएंगी फिर कैसे मिलेगी। तो वो दोनों अभी आई हुई, तो बहुत ज़्यादा गर्मी थी रजौरी में। चलो जी ठीक है जी, आज का व्लॉग हमारा इतना ही, थोड़ी देर रेस्ट करेंगे,
फिर आपसे कल मिलेंगे ओके जी, और ये व्लॉग भी कल अपलोड होगा। अल्लाह हाफिज़।